स्वागत है सभी दर्शकों का गिलोला श्रावस्ती न्यूज चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले ताकि सभी खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश की जनपद श्रावस्ती से है, जहां भीषण दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक गरीब ठेलिया मजदूर की मौत हो गई। मजदूर अपने घर से बाहर ही निकला था कि तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। एक के बाद एक करके ट्रक का दोनों पहिया उसके ऊपर चढ़ गया, जिससे घर के दरवाजे पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम ननकौ था और वह पेशे से ठेलिया चलाकर 6 लोगों का पेट पालता था। मिली जानकारी के मुताबिक वह बहुत सीधा साधा व्यक्ति था और गरीबी से तंग था। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें से 2 अभी भी नाबालिग हैं। वही सुबह 10 से 11 बजे का समय था, एक तेज रफ्तार ट्रक जो बहराइच की तरफ से आ रहा था और भिंगा की तरफ जा रहा था। शाम 5 बजे के करीब जब ननकौ का शव उनके घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। ननकौ के जो भी रिश्तेदार नातेदार आ सकते थे वो सभी पहुंच चुके थे। तकरीबन 7 बजे के करीब उनके पास के एक कब्रिस्तान में मिट्टी दे दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक को श्रावस्ती की पुलिस ने कुछ दूर आगे जाकर पकड़ लिया। जिनकी मौत हुई है उनका परिवार बहुत ही गरीब है, रहने को बस घर ही है, ना कोई रोजगार है और ना कोई खेत पात है। ननकौ काफ़ी दिनों से लगभग 20 सालों से ठेलिया चलाकर मजदूरी करते थे। उनकी असमय मौत का अफसोस पूरे मोहल्ले को है।